राष्ट्रीय जनता दल ने नवादा लोकसभा क्षेत्र से इस बार श्रवण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है इससे नाराज होकर राजद नेता विनोद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी नामांकन भी उनका हो चुका है अब देखिए विनोद यादव जो कि पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव के छोटे भाई हैं उनकी जो भाभी हैं विभा देवी वो आरजेडी से नवादा की विधायक हैं वहीं विधान पार्षद अशोक यादव उनके भतीजे हैं विनोद यादव बीते छह महीने से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे उन्हें टिकट मिलने की चर्चा भी हुई लेकिन अंतिम समय में श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने सिंबल दे दिया जिससे राजबल्लभ यादव और उनका जो पूरा कुंबा है उसे काफी सदमा लगा आप देखिए विनोद यादव ने अपने पथरा इंग्लिश गांव के मैदान में आयोजित जनसभा में सैकड़ों कार्यकर्ता को संबोधित किया था इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का टिकट बेचने का आरोप लगाया साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी थी जिसके बाद उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन कराया है अब देखिए आपको बता दें कि राजद के आला कमान तेजस्वी यादव ने राजद को ए टू जेड पार्टी बनाया जिसमें बागी राजद नेता विनोद यादव को प्रदेश महासचिव भी बनाया गया था उन्हें टिकट ना देकर श्रवण कुशवाहा को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया इसके बाद विनोद यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी कर कहा है कि नवादा लोकसभा का चुनाव मतदान होने तक क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जो है वो नवादा में ही प्रवास करेंगे उधर रविवार को नवादा पहुंचने पर पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव का आरजेडी के अध्यक्ष उदय यादव गौतम कपूर जैसे लोगों ने जमकर स्वागत किया देखिए आपको बताएं कि इसके चलते राजनीति जो है वो अब बेहद तेज हो चली है अगर नवादा के गुणागणित को हम समझें तो वहां पर श्रवण कुशवाहा को, को टिकट देने के बाद से ही जो यादव समाज है वो लगातार आर का विरोध कर रहा है न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उतारे गए हैं विनोद यादव उनकी भाभी जो कि आर से विधायक हैं और उनके भतीजे अशोक यादव जो कि एमएलसी हैं इन दोनों ने अब खुले तौर पर अपने परिवार के सदस्य जो है जो विधायक जो विधायक के प्रत्याशी बनाए गए हैं माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बनाए गए हैं निर्दलीय तौर पर उनके समर्थन में खूटा गाड़ दिया है जिसके बाद अब चर्चा विवेक ठाकुर को लेकर तेज हो गई है कि विवेक ठाकुर जो है वो, वो बतौर बीजेपी के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी हैं क्या उनके लिए राह नवादा में आसान हो चुका है इसे लेकर आरजेडी में मंथन भी चल रहा है लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के लिए राहें जो हैं वो अब नवादा में मुश्किल हो चुका है